ग्रेविटेशन का ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इलिप्टिकल पाथ है और सन इस पॉइंट पे है। इफ द टाइम फॉर द पाथ ए बी सी इज टी वन एंड फॉर द सी डी इज द टी टू एंड सन इज एट अ पॉइंट एस, फाइंड रिलेशन बिटवीन टी वन एंड टी टू। मतलब अगर एक सेटेलाइट है ऐसा मान लीजिए, एक प्लेनेट है और ये सन है, तो प्लेनेट ऐसे भाग रहा है, ऐसे सन यहाँ पे, तो कह रहा है कि अगर, और सन कह रहा है कि अगर सन इस पॉइंट पे है और ये जो प्लेनेट है उसको यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम टी वन है और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम टी टू है, तो बताइए टी वन टी टू में बड़ा कौन सा होगा। तो देखिए सन इस आर्क के ज़्यादा पास है, तो जब सन आर्क के ज़्यादा पास होगा ना तो प्लेनेट तेज़ी से भागता है, प्लेनेट तेज़ी से भागता है, और जब सन किसी आर्क से दूर होगा तो प्लेनेट धीरे धीरे भागता है। तो कन्फर्म है कि ये दूरी और ये दूरी तो बराबर है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और इसमें टाइम कम लगेगा। क्यों? क्योंकि इस रास्ते पर स्पीड कम होगी, क्योंकि वो सन से ज़्यादा दूरी पर जा रहा है। ठीक है, तो पहले ही पूछ रहा है कि टी वन टी टू रिलेशन, तो मैंने बता दिया। और एक और भी तरीका है इसको पता करने का, देखिए तो मैंने प्रूफ कर लिया कि टी वन की वैल्यू टी टू से ज़्यादा होगी। अच्छा, टी वन क्या है? ए बी सी, ये वाला टी वन कम होगा, टी टू ज़्यादा होगा, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इधर स्पीड कम है क्योंकि ये आर्क सन से दूर है। और एक तरीका है एरियल वेलोसिटी, अगर एक प्लेनेट को यहाँ से चल के यहाँ तक जाना है, यहाँ से चल के यहाँ तक जाना है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर एरिया ट्रेस करेगा वो तो ये पूरा एरिया होगा। अगर ऐसे भाग के यहाँ तक आ रहा है तो ये पूरा एरिया होगा, और यहाँ से इधर जाते समय वो सिर्फ इस एरिया को ट्रेस करेगा, इसका पोजीशन वेक्टर, इसे पोजीशन वेक्टर ट्रेस करता है, ऐसे ये पोजीशन वेक्टर ट्रेस करवाया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाते समय, यहाँ से यहाँ तक जाते समय ये एरिया पूरा, ये भी एरिया इसके अंदर आएगा, और यहाँ से इधर आते समय जो पोजीशन वेक्टर ये है वो सिर्फ इस एरिया को ट्रेस करेगा, क्योंकि ये एरिया इससे ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ, ये एरिया अगर इससे ज़्यादा है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि सेम एरिया सेम टाइम में तय करता है, क्योंकि ए टू ए वन से ज़्यादा है तो टी टू टी वन से ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है बी पार्ट में, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एस, ए सी एस ये ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एस इज वन अपॉन एट ऑफ एरिया ऑफ एलिप्स, फाइंड रिलेशन इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। मतलब टी वन टी टू में इक्वेशंस बताइए क्या होगा, ग्रेटर नहीं इक्वेशन बताइए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डी अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, तब क्या लिखेंगे, इस एरिया को इसमें लगे टाइम से भाग कर दीजिए तो रेट बन गया, और इस एरिया को इसमें लगे टाइम से भाग कर दीजिए तो रेट बन गया। तो ये रेशियो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये रेशियो कॉन्स्टेंट है तो ए टू क्या है, ए टू इसका एरिया है, इसका एरिया, अच्छा इसका ना बेटर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसको कर दो इंटीग्रेट तो ये क्या बनेगा, ए बराबर सी इंटू टी, तो ए का रेशियो टी का रेशियो सेम मिलेगा, या ए अपान टी बराबर कॉन्स्टेंट रखा, तो ए टू अपान टी टू अपान ए वन अपान टी वन, सही है। अच्छा ये एरिया निकालना पड़ेगा, ये एरिया निकालना है। अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो एरिया ना, ये जो एरिया, ये एरिया वो पूरे एलिप्स के एरिया का वन अपान एट है, और एलिप्स के एरिया मैथ में पढ़ते होता है पाई ए बी, तो कोई पूछे ये एरिया कितना है, ये एरिया कितना है, तो दिस एरिया इज पाई ए बी का हाफ, क्योंकि पूरा एरिया पाई ए बी है, तो एरिया क्या होगा पाई ए बी का हाफ, तो पाई ए बी का हाफ प्लस ये अलग से एरिया है इस पाथ में, टी टू वाले पाथ में अलग से एरिया ए बी आ गया, वो वन अपान एट है, तो क्या होगा पाई ए बी का एट अपान टी टू बराबर ए वन, क्या होगा ये वाला एरिया, तो इस पूरे पाई ए बी में ये वाला एरिया घटाना पड़ेगा ना, तो ये पाई ए बी अपान टू, पाई ए बी अपान टू माइनस ये वाला एरिया पाई ए बी का एट है डिवाइड बाई टी वन। इसको सॉल्व कर दीजिए, जैसे सॉल्व करोगे पाई ए बी पाई ए बी पाई ए बी पाई ए बी कट जाएगा और आ जाएगा फाइव टी वन और थ्री टी टू। ओके, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और एक अच्छा सा क्वेश्चन था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ये है अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी लाइट की स्पीड के सहायता से आप सन के सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कह रहा क्वेश्चन में कि लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सन से लाइट को अर्थ के सरफेस पे आने में जो टाइम लगता है 5 मिनट है, और अर्थ का टाइम पीरियड सन के चारों तरफ जो है वो 300 × 10⁵ सेकेंड है। मतलब भाई 360 साल को मैंने सेकेंड में बदल लिया, तो लगभग मैंने इतना मान लिया 300 × 10⁵ सेकेंड है।
सन के चारों तरफ अर्थ का घूमने का एक टाइम इतना है. फाइंड द ग्रेविटी एक्सेलरेशन एट सन सरफेस. तो चलिए सन के सरफेस पे क्या लिखोगे, जी डैश बराबर जी एम अपान आर इसका, जहाँ एम मास किसका होगा सन का और आर होगा रेडियस सन का, और इस दूरी को मैंने आर मान लिया. और क्वेश्चन ये दिया गया है कि जो सन है वो अर्थ के सरफेस पे 10 मिनट एंगल सफ्टेंड कर रहा है, 10 मिनट का एंगल सफ्टेंड कर रहा है. तो बताइए कि इसके सरफेस पे फील्ड की वैल्यू कितनी होगी. तो जी डैश क्या होगा, जी एम अपन आर स्क्वायर. तो जी डैश की वैल्यू इतनी हो गई. अच्छा लिख लिया, अब हमारा दिमाग काम कहाँ कर रहा है, जी डैश निकालना है. तो सन का मास निकल जाए और सन के रेडियस निकल जाए और जी की वैल्यू कहीं से मिल जाए, प्लेस करेंगे तो आंसर आएगा. इनके डेटा से ही कैलकुलेशन करना है. अकॉर्डिंग टू कैपलर्स लॉ जो टाइम पीरियड इन्फॉर्मेशन दिया गया ना, टाइम पीरियड तो क्या होगा, 300 और 10^5 मिलकर 10^7 हो जाएगा. तो 3 × 10^7 टाइम पीरियड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 4π² / gm × r³. और r क्या होगा, सन का इससे दूरी, वो मान के चल रहा हूँ कि सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट, तो सन का अर्थ से दूरी r है ना, तो मैंने यहाँ पे r लिख लिया. तो कैपलर का थर्ड लॉ, टाइम पीरियड का स्क्वायर बराबर 4π² / gm × r³. मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया. फायदा क्या होगा कि जीएम से जीएम कट जाएगा, तो बनेगा जी डैश इंटू इसके स्क्वायर करके बनेगा 9 × 14. अब जीएम से जीएम कट गया, ठीक है, बन गया 4π² और आर स्क्वायर यहाँ का रहेगा, और जीएम से कट गया बन गया r³. अब मेरा दिमाग काम कर रहा है कि अगर मुझे इसका रेशियो कहीं से मिल जाए ना, तो जी डैश की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 4π² पता है, ये वैल्यू आपको पता है, लिखेंगे 9, ये बनेगा 14. अच्छा 4π² में 10 लिख दिया. और एक चीज़ और, अगर हमें इसका रेशियो निकालना है तो ऐसे निकलेगा, देखिए ये 10 डिग्री है ना, तो 10 डिग्री कैसे आएगा, ये जो लेंथ बनेगा, ये लेंथ 2r और ये एंगल बहुत कम है, तो 2r और के लिखोगे r × θ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2r बराबर r दूरी इंटू ये वाला एंगल सफ्टेंडेड थीटा, और थीटा 10 मिनट है ना, तो सेकेंड में बदल लो, तो 10 मिनट को सेकेंड में बदल दिया 60 से भाग करके, डिग्री में बदल दिया 60 से डिवाइड करके, तो इससे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. और r की वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल r की वैल्यू कितनी आएगी, r/12, और इसको r/12, तो इसके जगह पे मिल दिया r/12, तो r स्क्वायर है ना, तो r का स्क्वायर बन जाएगा, और 12 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 144 और r³ बन गया. ये बन गया क्या, जी डैश बराबर 9 × 10^14 बराबर 4 × π² 10 और 144 और r³/r², ये क्या बनेगा, r बनेगा, इसे कट करेंगे तो r बन जाएगा. और r कितना होगा, r यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी किससे आएगी, लाइट की स्पीड में टाइम सिंप्लीफाई कर दूँ तो सन से अर्थ की दूरी आ जाएगी, आ जाएगी. तो स्पीड 3 × 10^8 मल्टीप्लाई बाई 5 मिनट, तो 5 × 60. अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो जी डैश की वैल्यू आएगी उसमें एक और टर्म यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, 3 × 10^7, तो लगभग इतना फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, फील्ड की वैल्यू हो जाएगी अर्थ के, अब मून के, मून कह रहा हूँ, सन के सर्फेस पर.